काम द 1% क्लब करेगा आपको, आपकी सबके काम आपको मैं गाना सुनता है कि सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। सात समुद्र पार किसी के पीछे जाने के लिए तैयार हो तो यार एक समुद्र जो अपने देश में ही करना आपको बस छोटा सा बहुत आपको एक चीज याद रखिएगा कि आपके अंदर वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, तभी आप बीएचयू में खड़े हैं। बीएचयू में खड़ा होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और हर साल बच्चे आते हैं लेकिन पता नहीं क्यों अपने विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हम लोग सिविल सर्विसेज को लेकर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रखे पूछेंगे तो यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, न रिसोर्सेज की कमी है, न और भी किसी प्रकार के वातावरण की कमी है। इन्वायरमेंट कौन बनाता है? किसी विश्वविद्यालय का इन्वायरमेंट वहां के छात्र बनाते हैं। हम जिस इन्वायरमेंट को चूज करेंगे वो इन्वायरमेंट हमारा हो जाएगा। यहाँ जब आप बीएचयू आएंगे बहुत तरह के इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा और देखा भी होगा, देखा ही नहीं तो आप किस इन्वायरमेंट को चूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। कोई आपको शुरुआती दौर में इंपोर्ट नहीं करता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। तो आपको किसके साथ जाना है, आपको यूपीएससी के साथ जाना है या आपको किसी और दिशा में जाना है, ये आज आप ही तय करेंगे। क्योंकि आज अगर आप ये तय नहीं करेंगे तो जो आज जो चिंगारी आपकी जली हुई थी मुश्किल से कुछ दिनों में कुछ जाएगी। और आपके अंदर वो चिंगारी है उसके नाम ने लिखा है कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, बेशक आप भूल चुके हैं मेहनत करना एक दो महीने में, लेकिन फिर भी इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कि चिंगारी ढूंढ लाओ कहीं से मेरे दोस्तों इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। माता पिता का चेहरा याद करके जो आज गर्व से अपने मोहल्ले में अपने गांव में घूम रहे हैं कि हमारा बेटा बीएचयू में पढ़ता है, हमारी बिटिया बीएचयू में पढ़ती है। कई लोग यहाँ ऐसे होंगे जब ये बताएंगे कि मैं बीएचयू से बीए कर रहा हूँ तो आसपास के लोग बोलते होंगे कि बीए ही करना था तो बीएचयू कर रहे यही से कर रहे थे। तो क्या आप उनकी बात को 3 साल बाद ये साबित कर देंगे उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा या उनको एक करारा जवाब देंगे? अब जवाब देने के लिए लाठी लेके जाने को आवश्यकता है नहीं, ऐसा होता है बीएचयू से आपका इतना इमोशनल लगा हो जाएगा कि बीएचयू के बारे में एक भी शब्द नेगेटिव बोल दे तो आपको लगेगा कैसे बोल दूंगे भाई। लेकिन जवाब तो तब होगा ना जब एक बड़ी संख्या में, जैसा कि तन्मय ने, अनुराग ने, अभिजीत ने, लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में इस कमरे से सिविल एस्पायरेंट्स की संख्या ही नहीं है। आपके भी ऋषभ सर है, मैं ऋषभ सर के बारे में बताऊं कि ऋषभ सर ने बिहार विशेष का 2 बार मेंस लिखा है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके बीच ऐसे ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स मौजूद हैं, आपके सीनियर भैया, आपके सीनियर दीदी, जो अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल किए हुए हैं। हो सकता है वो सिविल एस्पायरेंट ना हो लेकिन अगर एक पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च स्कॉलर आपसे बात करेगा तो पॉलिटिकल साइंस के सारे धागे खोल देगा, इसमें कोई दोहरा नहीं। क्या ही पढ़ा लेंगे, हम क्या करेंगे जाके, छोड़ो खुद से पढ़ेंगे।
और खुद से पढ़ने के नाम पे आप क्या करेंगे, खुद से पढ़ने के नाम पे आप जाएंगे लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आप सीट चुनेंगे एसी वाला, एसी में फिर आपको आएगी थोड़ी बहुत नींद, क्योंकि अगर 15 मिनट की छप्पी लेते मात्र 15 मिनट, क्योंकि रात भर तो हम पहाड़ तोड़ रहे थे, 15 मिनट सो लेते हैं उसके बाद हम जो है फिर से पढ़ाई करने लग जाएंगे। 1.5 घंटे बाद आपकी नींद टूटेगी, तो आप अगर 12 बजे हैं तो बच जाएगा डेढ़, फिर आपको लगेगा अरे यार खाना भी सिर्फ हो जाए तो क्या होगा, तुरंत वहाँ से दौड़ोगे अब किसी हॉस्टल में जो है आएंगे और फिर वहाँ बैठ के आपके मित्र मिल जाएंगे, हॉस्टल में क्योंकि आप अकेले तो जाएंगे तो आपके मित्र मिलेंगे, उनके साथ बैठ के आराम से जो है 2 घंटे तक रोटी तोड़ते रहेंगे। हॉस्टल के बाद जो तुम ये वो 10 मदद वहाँ 4 टाइम का है, तो 2 टाइम वाला वो 4 टाइम में मैनेज करते हैं, आप लोग 2 टाइम में मैनेज करते हो, टाइम खाना और टाइम दोनों आपको बराबर ही मैनेज करते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो फिर आप फिर आपके मन में आएगा थोड़ा सा आराम कर देते हैं तब लाइब्रेरी चलेगी, क्योंकि आपका बैग तो लाइब्रेरी है, आपका मन ये जरूर अभी भी कर रहा है यार आज पढ़ाई नहीं की पर तो लेना है, फिर आप 2 घंटे आराम करके जाओगे लाइब्रेरी, शाम का 4:30 बज गया होगा, अब 4:30 बजे बीटी का बहुत पढ़ने का होता ही नहीं है, आप क्योंकि आपको होके जाना है बीटी से, आप लगेगा चलो 1-2 घंटे यही घूम लेते हैं पहुंचेंगे लाइब्रेरी के अंदर, तो आप 1-2 घंटे वही कुछ नहीं करोगे, बस 3-4 कप चाय जो है वो मंगा के भैया भेजा चाय हो चाय मंगा के पीछे एकदम लंबे समय तक चाय पिए, और फिर जब 6:30 बज जाएगा तो आपको लगेगा चलो थोड़ा फिर बैग कम से कम ले आएंगे उनको, तो जाओ फिर लाइब्रेरी और वहाँ से जो है बैग के लिए संघर्ष करेंगे, बैग लेके आएंगे और जब फिर हॉस्टल आएंगे तो फिर खाने का समय हो गया होगा, फिर आप खाने पर बैठ जाएंगे और रात को जब बैठ जाएंगे तो आपको लगेगा दिन भर की लाइब्रेरी में देखिए कैसी कैसी आपकी दिन भर लाइब्रेरी में गया, दिन भर हमने पढ़ाई किया, यही कल्पना आप ला